जिस समय मुझे जानकारी मिली थी कि इस तरह का सरकार का आचरण है, उसी समय मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस बात को संज्ञान में ले और ऐसे कार्रवाई को रोके। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। इसीलिए फैसला चाहे इस बात का लिया जा रहा हो कि दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा जाए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है, तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। और उसी तरीके से आपने देखा होगा कितने दिनों लगा हुआ प्रतिबंध, उस पाबंदी को भी हटा दिया है, तो सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है। इसका दुख भारतीय जनता पार्टी को है। इसीलिए मैंने कहा कि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने लगती है तो आखिरी समय सांप्रदायिक राजनीति को जिंदा रखने के लिए। और ये तो बड़े सेंसिटिव चीज़ है कि अगर अधिकारी सेंसिटिव पोस्ट पर जाएगा और उसका व्यवहार आचरण किसी संस्था से या पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से उसका किया जाएगा, वो तो हम उत्तर प्रदेश में देख ही रहे हैं, हर दिन देख रहे हैं कि अधिकारी किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी का जो काम है वो कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि सांप्रदायिक राजनीति फड़फड़ा रही है आखिरी वक्त दिया का, ये सांप्रदायिक राजनीति ऐसे ही जाएगी, जनता समझ चुकी है इन बातों को। अखिलेश जी आपने नीट मामले में भी कहा कि ब्रेक तोड़ देगी जितने भी पेपर। लेकिन नीट में जिसको नहीं दिखाई दे रहा वो ना देखे, लेकिन नौजवान घर परिवार के उनके सदस्य आप लोग और सब लोग देख रहे हैं। कैसे संभव है कि एक ही जगह पर इतने बच्चे पास हो जाएं, एक ही सेंटर में इतने बच्चों को इतने नंबर आ जाएं? ये कहीं ना कहीं जो प्रश्न लगता है वो सरकार पे लगता है, और कम से कम उस इंस्टीट्यूशन पे उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है कि इतनी बड़ी परीक्षा करा रही। और मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश की परीक्षा के पेपर लीक और भारत सरकार के पेपर लीक, तो ये सरकार ने रिकॉर्ड कहीं बनाया हो ना बनाया हो, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड तो इन्होंने बना लिया है। नहीं, ये जो फैसला सरकार का था वो गलत था, सरकार को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। और ये तो जाने वाले लोग हैं, वो क्या ना करें। अभी और देखिए क्या क्या और करती है सरकार। नहीं देखिए, अब बारिश तो हो ही रही है, तो ये जो ऑफर है समय के हिसाब से, फिर विंटर ऑफ चलेगा इसके बाद। नहीं, पूरे मानसून तो चलेगा, मानसून ऑफर का मतलब ही ये मानसून ऑफर। और फिर आप लोग भी बात समझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुर्सी बचानी थी इसलिए बोर्ड लगाया उन्होंने, कुर्सी बचाने के लिए बोर्ड लगाया। और सच्चाई तो ये है कि दिल्ली लखनऊ वालों ने मिल करके लगाया, डबल इंजन सरकार ने मिल करके दोनों लगवाया है। तो इसे ये बात आप मत समझना कि अलग अलग हैं, ये डबल इंजन मिल करके ही नाम लिखवा रहा है दुकानों पर। जब तारीख आएगी तो फैसला भी आ जाएगा।